सो हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस व्लॉग। तो अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कल, तो गियर शिफ्टिंग के रिगार्डिंग कुछ वीडियो था कि उसमें अपना न्यूट्रल में भी बाइक आगे बढ़ रहा था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाला था। उसके नीचे एक कमेंट आया था जिसमें किसी भाई ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बताए थे रॉनिन के अंदर, तो उनमें से लिटरली कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ मिथ है जो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और भाई, आप लोगों का सपोर्ट है तभी मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अभी आगे बढ़ते हैं सारे पॉइंट्स के साथ, और जो जो एक एक पॉइंट है मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंजन नॉइज़ के रिगार्डिंग। तो है ना, सभी को जो ये वाला स्पार्केट है ना, फ्रंट वाला, यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइस आने वाली है। जो ख़रीद चुके हैं या फिर जो यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब जिनको काफ़ी टाइम हो गया, मुझे करीबन 3 महीने के अराउंड हो गया, तो मुझे शुरू से मतलब 1000-1200 किलोमीटर चलाने के बाद वो नॉइस आना चालू हुआ था। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ दिखा दी है, तो उन्होंने जस्ट यही कहा कि इसका जो कंपनी फिटेड स्पार्केट आया ना, स्पार्केट और चैन, तो स्पार्केट के जो तीत है वो बहुत ज़्यादा तीखे हो चुके हैं, दैट्स वाई ये नॉइस आता है। और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इसको रिप्लेस करवा लो, अगर आपको ये नॉइस बियर नहीं होती है तो। अदरवाइज़ ये कोई मेजर इशू नहीं है कि आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर कुछ। जो यहाँ से आपको साउंड आता है ना, जो चेन का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो आएगा ही आएगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज़ इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वैसा ही है चेन का और स्पार्केट का। कुछ टाइम के बाद वो पता नहीं बहुत जल्दी घिस गए, पता नहीं क्या हुआ, तो वो आ रहा है नॉइस। तो अगर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ, दैट इज़ न्यूट्रल में भी बाइक को मैंने आगे जाते हुए लाइक गियर लगा, बाइक यहाँ न्यूट्रल शो कर रही है बट फिर भी बाइक में गियर लगा हुआ है और बाइक आगे जा रही है। तो ये समटाइम्स ऐसा हुआ है, मतलब मैंने देख लो 4500 के आसपास किलोमीटर चला दिए हैं, बट अभी तक मुझे ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बार फेस करने को मिली, जो भी कल, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट्स बनाया था। तो ये हो सकता है भाई, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में इतने छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आना लाजमी है, कुछ भी 100% फुल प्रूफ नहीं होता, तो ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की तरफ चलूँ, दैट इज़ इंजन चेक लाइट। तो ये कभी कभी ऑफ हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा ही हो रहा है कि ये बंद ही नहीं होती और आप बाइक चलाया जा रहे हो या फिर स्टार्ट करने के बाद फिर भी ये नॉन स्टॉप आती रहती है और हर बार आती है ना, तो एक बार आप TVS के शोरूम पे विज़िट करो, ये लिटरली प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल वाला कभी कभी हो रहा है तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, और जो चेन वाला है वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, दैट इज़ मशीनरी, वो घिस गई तो कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर अपन। तो अभी फोर्थ पॉइंट में मैं आता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट था कि जब हम बाइक को इनिशियली डे में फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो RPM अराउंड 3500 के आसपास होते हैं, और 2500 से 3000 के आसपास रहता है वो। तो दैट इज़ इनका फंक्शनलिटी कुछ ऐसा है कि इंजन का, कि वो इंजन को गर्म करने के लिए थोड़ा RPM हाई रखता है इनिशियली, बट आप उसको मुश्किल से 30 सेकेंड के लिए ऑन रखोगे बाइक को, तो वो अराउंड 2000 और 2000 से नीचे आ जाता है। तो आइडियली कंडीशन में जब आप रन नहीं कर रहे हो बाइक को, एकदम बस स्टार्ट करके खड़ी कर रखी हो, उस टाइम पे आइडियली 1500 से 1700 के बीच में RPM होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और होगा तो वो कुछ मतलब 30-40 सेकेंड्स के लिए इनिशियली जब बाइक आप स्टार्ट करोगे तब होगा। अगर बाइक ऑलरेडी गर्म है, ऑलरेडी स्टार्ट कर ली थी आपने और बंद कर दी, फिर 10 मिनट बाद आप वापस से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। गाइस, एक और फिफ्थ पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा शेप का एक इंडिकेटर है, दैट इज़ वो ऑरेंज कलर या येलो कलर के अंदर आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बाइक का जो सिस्टम है ना, प्रॉपरली कंप्लीट बाइक को चेक नहीं कर पाता है, तो उसे लगता है कि बाइक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बाइक को स्टार्ट नहीं करने देता है। और अगर बाइक स्टार्ट है और उसमें ये वार्निंग स्टार्ट होती है ना, तो बाइक को बंद कर देता है, तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चेक होता है पूरा बाइक का। तो बाइक को जब भी आप ऑन करो ना, तो जैसे ये बंद है बाइक, तो जब भी ऑन करो तो ये जो सिस्टम है इसको कंप्लीट रेडी होने दो, उससे पहले उसको स्टार्ट मत करो। अदरवाइज़ जो यहाँ पे अभी देखना ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला एक्टिव हो जाएगा, अगर ये एक्टिव है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। और अगर ये बार बार आपको नॉन स्टॉप आ रहा है ना, तो फिर आप शोरूम पे विज़िट ज़रूर करो। तो गाइस, ये सारी चीज़ें थी जो मैं मेंशन करना चाहता था। अब इनमें से जो ट्रायंगल वाला शेप वाला जो आइकन है वो प्रॉब्लम है, इंजन चेक लाइट अगर बंद नहीं हो रही है वो भी प्रॉब्लम है, और उसके अलावा अगर न्यूट्रल में बार आपका न्यूट्रल दिखा रहा है बार बार, और उसके बाद भी अगर आपकी है ना बाइक आगे बढ़ती जा रही है ना, बार बार ऐसा हो रहा है, तो आपको जो सेंसर है ना जो इंडिकेट करता है कि कौन से गियर में भी बाइक है, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार आप शोरूम ज़रूर विज़िट करना। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बाइक में एक्चुअल में प्रॉब्लम है, बाकी जो स्पार्केट से साउंड आता है वो कुछ नहीं कर सकते, दैट इज़ अ पार्ट। तो मशीनरी है वो घिस गई है,
तो उसको आप या तो रिप्लेस करवा लो, अदरवाइज़ आप उसी के साथ यूज़ कर लो। तो मुझे भी साउंड आ रहा है और मैंने भी एक ट्रिप कर ली है इसके साथ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सहन कर लेता हूँ। और हाईवेज़ पे पता नहीं लगता है ऐसे साउंड का, तो आप थोड़ा शांति वाले एरिया में चलाओगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर, यू कैन राइड विथ इट, सो नो इशू एट ऑल। और बाकी इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना वो बताना। बाकी कुछ बाइक ऐसी है जिनमें फ्यूल लीकेज और ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम सुनी है मैंने, बट अभी तक कहीं देखा नहीं है और मुझे भी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है अभी तक। बाकी मैंने हमेशा टैंक फुल टू फुल ही चलाया है हमेशा, तो मुझे अभी तक कोई फ्यूल लीकेज नहीं हुआ और कोई इंजन से कोई भी ऑयल वगैरह रिसने की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जबकि मेरी फर्स्ट लॉट की बाइक है। जब बाइक लॉन्च हुई थी उसके मैंने 20-22 दिन के बाद ले ली थी, और एक बाइक में आप डिफरेंस ज़रूर देखना, सभी की बाइक में जो ये मडगार्ड ये साइलेंसर के ऊपर जो कवर है ना, ये आपको सिल्वर देखने को मिलेगा, बट मेरी बाइक में ये ब्लैक है। तो सभी पूछते रहते हैं कि मैंने ब्लैक करवाया है क्या, तो मैंने कोई ब्लैक नहीं करवाया है, ये ऐसा ही है और कंपनी से ऐसा ही आया था, सो दिस इज़ द डिफरेंस। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी बाइक से मेरा। तो ये सारी चीज़ें थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। Do like, share and subscribe. Thank you so much.